ये देखो मैंने यहाँ भी सारे टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं किस शेप आ रही है, क्या शेप आ रही है। बस अभी बस ये लास्ट के टमाटर, पहले जो टमाटर लगाए हैं ना उनके जो फ्रूट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल गोल बन रहे हैं, बीज वही था। लेकिन ये जो बाद वाले टमाटर बन रहे हैं ना, जो बाद में लगे हैं, सपोज़ ये लगे हैं दिसंबर में, इनकी शेप्स कुछ अजीबोगरीब आ रही है। पता नहीं क्या क्लाइमेट चेंज है क्या है। ये देखो ये गोल है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये देखिए ये टमाटर पक भी गया, और मैंने तीन चार ना पके हुए टमाटर तोड़ भी लिए। ये देखिए इसको भी मैं तोड़ ही लूँ, लाल हो चुका है, इधर भी एक छोटा सा है। अभी मैंने आलू भी उगाए हुए हैं, आलू भी आपको किसी दिन जब हम आलू की हार्वेस्टिंग करेंगे ना दिखाएंगे आलू कैसे निकलते हैं। और देखो बोगनवेलिया येलो कलर खूबसूरत, और उसके पीछे देखिए लदा हुआ टमाटर। हमारा पैशन है बिल्कुल मेरे को ना कि ट्राई करते हैं वेजिटेबल्स में भी। सब लोग मुझे बोलते थे आप इतने प्लांट्स लगाते हो आप वेजिटेबल में क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने पहली बार वेजिटेबल में ट्राई किया पहली बार। तो ये देखिए फॉक्स टेल फर्न एक लाई थी छोटा सा, उससे मेरे दो रेडी हो गए हैं, दो गमले। और ये देखिए बोनजाई, प्रोटीन पाउडर के डब्बा काटा और उसके बचे हुए ढक्कन में बोनजाई रेडी हो रही है। बहुत ही कुछ नहीं, कुछ नहीं फेंकना, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ लगाइए। तो पैशन है, फिर मैंने हमने कहा कि चलो वेजिटेबल्स में भी ट्राई करते हैं। लिए बीज टमाटर लगा दिए, ये देखिए फ्रूटिंग्स तो हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। ये देखिए छोटी छोटी बोनसाइस रेडी चल रही हैं हमारी। और आपको दिखाऊं, और ये जगह एक तरह से मेरी वर्कशॉप है। ये देखिए मैंने ककड़ी के बीज बोए हैं, इसमें ककड़ी के बीज हैं, ये दो से चार पत्ते हो गए हैं, और थोड़ी सी ग्रोथ होगी ना तो मैं इनको एक अलग अच्छे से बड़े बड़े कंटेनर में या जो स्पेस है लैंड है उसमें लगाऊंगी एक सोच के। ये देखिए इमली, इमली की चटनी बनाते थे, इमली बोनसाई शेप में रखूंगी मैं इसको, मैं ऊपर से कट करती रहती हूँ इसको। तो ये भी इमली की बोनसाई। तो लास्ट ईयर भी मैंने घिया के लिए ट्राई किया था, हुआ क्या मैंने घिया के तीन चार सैपलिंग्स रेडी किए और लगा दिए पेड़ के पास, और हुआ क्या बिल्ली ने आके आराम किया, गर्मी के दिन थे, सारे सैपलिंग्स ख़त्म। तो मैंने कहा कि ये तो ख़राब हो गया, लेकिन क्या बिल्ली का हक नहीं है पेड़ की छाँव में आराम करने का? बिल्कुल हक है उसमें, कोई बात नहीं, ख़राब हो गए तो कोई बात नहीं, हम किसी जीव को नहीं परेशान कर सकते कि मैं बिल्ली को भगाने लग जाऊं। अब देखिए ये देखो ध्यान से देखने पे पता लगेगा, इसमें मैंने करेले के, घिया के और ककड़ी के और खीरे के सीड्स डाले हुए हैं। देखो एक ये सीड निकल रहा है, ये निकल चुका है, तो ये करेला है। अभी थोड़ा पानी भी देना है, डाउन हो रहे हैं, अभी मैं थोड़ी वाटरिंग करूँगी वीडियो बना के। ये देखो ककड़ी के सीड्स रेडी हो गए हैं, तो इनको दूसरी जगह में लगाना है। और ये देखो छोटा सा आपको नीम दिखाऊं, नीम के देखो हर जगह पत्ता आ गया है, डेवलप कर रही है। मैंने निबोरी से डेवलप किया था, पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पार्क में लगा दूंगी, 3-4 फुट का हो जाएगा, थोड़ा कंटेनर भी इसका बड़ा करना है। तो कुछ टमाटर खराब भी हो रहे हैं, ये इसमें तो एक ही लगा है, ये एक टमाटर पकेगा, बाकी प्लांट को फिर मैं फेंक दूंगी। तो और भी हैं, तो ऐसे चलता रहता है मेरा, वाइट गुलाब है, काम बहुत है मेरे को, और काम मैंने फैला भी बहुत लिया है। ये मैंने मिर्च के, बड़ी मिर्च के सीड्स डाले थे, सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं, बाकी दो चार मैंने लगाए भी हैं, दो चार इसमें से और लगाऊंगी। पहले जो मैंने मिर्च के पौधे लगाए थे वो ना छोटी मिर्च है, ये बिल्कुल जो छोटी छोटी आती हैं, तो अब मैं बड़ी मिर्च का पौधा है, ये बड़ी मिर्च के मैंने सीड बनाए हैं लगाए, और उनको अब मैं डेवलप करूँगी। यहाँ पर मैंने आलू उगाए हुए हैं, यहाँ पर नीचे ये आलू के पौधे हैं, ये आलू के पत्ते हैं। तो अब आलू की हार्वेस्टिंग होगी ना तो ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और दिखाऊँगी। और ये देखो ये बैम्बू के पौधे हैं, और मेरे पास बैम्बू एक और गमले में है जो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए ये नेस्ट्रीशियम ने दबा दिया है, नेस्ट्रीशियम फैलता जा रहा है, ये बैम्बू है,
और जो दब रहा है। चलो नैस्टीशियम के तो कुछ ही दिन बचे हैं, और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो करी पत्ता है, करी पत्ते की भी काफ़ी मौज है, पेड़ ही पेड़ हैं करी पत्ते के, सबको बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। और तकरीबन मेरे पास तो ना दूसरे ब्लॉक से भी लोग आकर के ना करी पत्ता तोड़ के लेके जाते हैं, सबके यूज़ के लिए है। ऐसी ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए, अब तो मैंने पार्क में भी लगाना शुरू कर दिया है। मैं इसके ना ये फ्लावर्स तोड़ती रहती हूँ, इससे क्या होता है पत्ते कम हो जाते हैं, मुझे चाहिए नहीं तो। और ये देखिए, ये भी मेरा एक तरह से गोडाउन है, इतने प्लांट्स हैं यहाँ पर, आम भी उगा हुआ है, लीची भी उगी हुई है, मतलब इनको निकाल के देखो, मैंगोज़, और ये कोफिया, देखो कोफिया की खूबसूरती, कोफिया कैसे फूलों से भर रहा है। और आपको मैं दूसरी साइड भी लेके चलूँ तो इधर भी हमने लगा दिए काफ़ी सारे टमाटरों के पौधे। अब गर्मी, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो अब फ़र्क पड़ेगा, जो टमाटर आ चुके हैं वो पकेंगे और बाकी पौधे ख़राब हो जाएंगे, फूल भी, पॉलिनेशन भी नहीं होगा। देखो हमारे इस पौधे में भी अच्छे खासे टमाटर लग गए हैं, और अब हमने शुरू कर दिया बैंगन लगाने, बैंगन की सैपलिंग्स लगा दी हैं, मैं खरीद के लाई थी। तो ये भी नींबू का है, ये सारे ना जो वेजिटेबल्स, जो किचन वेस्ट हम यहाँ डालते थे ना उनके सीड से। और ये देखो मेहरबानी, आपको मैं दिखाऊं तो, जरा जूम करके देखना, देखो कीड़ों की मेहरबानी, देखो किस तरह से अटैक किया हुआ है। अब स्प्रे करना पड़ेगा इस पर, कितने कीड़े हैं। तो ये सब है, और ये अमरूद यहाँ पर, ये किचन वेस्ट के जो आ रहे हैं छिलके उन्हीं से ही उगाए। और एक नस्ट्रीशियम मैंने यहाँ रख दिया है, तमाम पौधे ही पौधे हैं, और स्ट्रेस बस्टर। और जब मैं इनमें लगती हूँ ना अपने प्लांट्स की केयर करने में, ये देखिए नींबू का पौधा, फूल देखो फूलों से भरा हुआ है, कुछ झड़ जाएगा, कुछ की फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, टेम्परेचर ठीक ठाक रहा तो नींबू भी बन जाएंगे। नहीं तो लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पर दिल्ली में, NCR में, नॉर्थ इंडिया में ये इशू हुआ था, टेम्परेचर बहुत राइज़ हो गया था, सभी को पता है, और नींबू के दाम 300 रुपये किलो तक गए थे, क्योंकि सारे नींबू के जो फूल थे वो सूख गए थे और नींबू की कमी आ गई थी। तो इस टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल रहता है तो नींबू बहुत बनेंगे। और ये पिलखन की बोनसाई है, मैंगो चल रहा है, इसको भी मैंने रखा हुआ, देखो तना कितना मोटा है, इसको भी मैंने अभी गमले में रखा हुआ है, और कभी मौका देख करके मैं इसको पार्क में लगा के आऊँगी, फिर जहाँ मैं इसके पानी का ध्यान रख सकूँ। और ये एक मिर्च का पौधा है, और यहाँ पे भी भरे बहुत सारे, देखो गुलाब, गुलाब देखो किस कदर, ध्यान भी नहीं आता है मेरे को कहाँ कहाँ मेरे फूल खिल गए हैं। देखिए वाह, इतने, मतलब बड़ी खुशी होती है जब कोई छोटी सी कली खिलती है, छोटा सा पत्ता आता है, बूटा आता है, इतनी खुशी होती है। देखो उस वाइट बोगेनवेलिया, देखिए अब इसमें फूल आने शुरू, मैंने अभी येलो दिखाई थी, अब ये मेरे पास वाइट है, और एक ये मल्टी कलर है, वो शेडेड फूल आता है उसके अंदर। और ये कट्टे में मैंने अपना अमरूद लगाया हुआ है, इसको कट्टे में सेपरेट कर रखा है, इसलिए रखा हुआ है कि इसको भी हम कभी ना कभी पार्क में ही लगा देंगे। और ये भी देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से, ये कलम, ये मैंने ग्राफ्टिंग की है अमरूद की, अभी देखते हैं कि, मुझे लग रहा है ग्राफ्टिंग चल जाएगी, बाकी 1 महीने में पता लग जाएगा चली कि नहीं चली। तो इसकी मैंने ग्राफ्टिंग कर ट्राई की है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है, देखते हैं। ऐसे कई कई जगहों पे ना ट्राई भी चलती रहती है, कहीं कहीं पर मेंटेनेंस भी चलती रहती है पुराने पौधों की, तो आप देख सकते हैं आज जो मैंने आपको टूर दिया है ना, आप देख सकते हैं कि कितना गार्डन है, और ये सारा ना मेरे मेरे द्वारा ही कंट्रोल्ड है, मेरे हस्बैंड वाकई बहुत मेरे साथ हेल्प करते हैं, लेकिन बाकी 5 दिन मैं इनको बहुत ही, इतने सारे गमले हैं, मैं इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है, रिपॉटिंग और इनकी फर्टिलाइज़र सब कुछ, और फिर दूसरी बात इनका शेड देखना होता है कि इनको धूप में रखना है, छाया में रखना है, तो ये सारा देख, मेरा काफ़ी इसमें टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन, दिस इज़ मेंटेन बाय मी ओनली, बिकॉज़ मेरे को पौधों से बहुत प्यार है। तो आज के लिए मैं इतना ही, थैंक
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।